हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले जिस जिसको माय स्मार्ट सपोर्ट चैनल के बारे में नहीं पता है वो वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे क्लिक करके जा सकता है और उनका चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो 5 फरवरी को इनका मीटअप हुआ था इंडिया गेट दिल्ली में ठीक 12 बजे। मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये है, मेरे जगह कोई भी यूट्यूबर होता उसके लिए एकदम शॉकिंग बात है कि वहां मैं व्लॉग्स बनाने के लिए कोई कैमरा या मोबाइल कैमरा नहीं ले गया था सिवाय इसके। लेकिन फिर भी मेरी ये इतनी वीडियो कैप्चर हुई है। इसकी ड्यूरेशन 7 मिनट से ज्यादा है। ना ही मैंने खुद को रिकॉर्ड किया और ना ही किसी और को कहा कि मुझे रिकॉर्ड करे, फिर भी इतनी वीडियोज में फीचर होने को मिला। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एंड हाउ शॉकिंग इज दैट। और अपने इसी फोन से मैंने वो सेल्फी खींची जो मैंने थंबनेल पे लगाई है। सिर्फ यही एक फोटो है जो मैंने वहां खींचा है और वो भी इसके बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें। और ये जो मेरी हंसी छूट रही है ये वहां लोग ही कह रहे थे ए कौन सा कैमरा लिया ए ओहो। और पूरे मीटअप का सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी ये सेल्फी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ऐसी परफेक्ट सेल्फी। डिप्लोमा वैसी कर रखा और क्या चल रहा है लाइफ में? घसत गुआ गजम चाकल स्टान सो बजे। यार कुछ समझ नहीं आया। हाँ बस यही चल रहा है। 12 बजे का मीटअप था और मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता था और मैं सो के उठा 9 बजे और घर से निकला 10:15 बजे। पूरे रास्ते मेरा यही बात सोच सोच के दिमाग खराब रहा कि मैं यार लेट हो गया यार, पता नहीं मिल पाऊंगा या नहीं। खूबसूरती उन पे झलकती है जिनके पास शकल होती है और दिमाग खराब सिर्फ उनका होता है जिनके पास अकल होती है। ना मेरे पास काय कोई बुद्धि, मेरे खोपड़ी में तो भूस भर रहा है। चले तो तबेले में, भैंस भूखी खड़ी होगी। इंडिया गेट पहुंच के मैंने आसपास ढूंढा, उधर धर्मेंद्र सर नहीं मिल रहे, इधर मेरा दिमाग खराब। एक तरफ मैंने देखा झुंड का झुंड, कभी इधर जावे कभी उधर जावे। पास में एक छोटा सा यूट्यूबर का ग्रुप लिंक्स एक्सचेंज कर रहा था। मैंने उनसे पूछा यार माई स्मार्ट सपोर्ट से एक बंदा आने वाला था। अगले ने जवाब दिया उसी को तो भीड़ लग रही है ये। मैं और ज्यादा परेशान, ऐसे में मिलना तो दूर सेल्फी लेने के लाले पड़ रहे थे। कितने किलो लाले पड़ गए, 1.25 किलो या 1.5 किलो? जैसे तैसे करके सर को झाड़ पे चढ़ाया, पेड़ पे। आराम से तब मुझे मौका मिला मेरा सवाल पूछने का। ये जैकेट पहचानो और ये क्वेश्चन मेरा था। और नीचे उतरे तब मैंने एक और सवाल पूछा। जब आपने मीटअप प्लान सोचा था तब आपने सोचा था मैं आऊंगा आपसे मिलने? मैं बिल्कुल 10-15-20-50 हार्डली फिट किए थे उससे। और दौड़ प्रतियोगिता सर गिर जाओगे। दोस्तों आप देख रहे हो कैसे दौड़ लग रही है, यार तूने तो इतना एंजॉय किया। मैं जॉब के लिए गया था मोबाइल कंपनी में इंटरव्यू देने, कुछ गलत हुआ क्या? यार नौकरी तो मिलने से रही, इंटरव्यूअर से पंगा हो गया। क्या बात हो गई? यार यहाँ से जा रहा था, रास्ते में कार वाले ने कहा भाई गाजियाबाद जाना है। हाँ फिर? मैंने कहा तो जा भाई, ऐसे सबको बताते हुए जाएगा तो पता नहीं कब तक पहुंचेगा। पता नहीं क्यों भुनभुना गया। अब जब इंटरव्यू देने पहुंचा तो वही आदमी बैठा हुआ था जिससे पंगा हुआ था। अरे तेरी, फिर क्या हुआ? पहला क्वेश्चन पूछ के ही बाहर निकाल दिया। और क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? और जवाब क्या था? कार्टून नेटवर्क। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और ना तो, डिप्लोमा वैसी कर रखा। दोस्तों यार यही कोई 25 दिन के लिए अपलोडिंग मंदी हो जाएगी क्योंकि धमकियां आ रही हैं। अरे एग्जाम्स की चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कोई धमकी नहीं दे सकता। धमकी से याद आया, लाइफ की सबसे पहली धमकी तब मिली थी जब बाल कटवाते वक्त नाई ने दी थी, सीधा बैठ जा वरना कान काट दूंगा।